हैप्पी टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह हो चुकी है मेरी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस्माइली अभी सो रही है, तो चलिए आज उसके स्कूल का छुट्टी है। एक्चुअली उसका एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो क्या होता है कि एक दिन छुट्टी रहती है और फिर मतलब गैप करके रहता है एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चे हैं ना तो एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आज छुट्टी है। तो मैडम सो रही है, मैं भी देर तक सोई रही। अरे आज तो मुझे इतना काम है ना, इतना काम है, लेकिन देखो मैं भी आराम से सो रही हूँ। तो चलिए मैं उठ जाती हूँ और सारे काम फिनिश करती हूँ। अरे इधर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इतना फैला हुआ है ये देखिए आप। इधर कल कैंटीन का सामान फाजी साहब लेके आए थे, तो सब ऐसे ही ये इस बोरी में लेके आए थे, तो रात हो गया था, 10 बजे तक आए थे। तो उसके बाद मैं इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको रखने जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, तो खाना खुना खाने में 11-12 बज जाता है। फिर मैंने जैसे कहा तैसे ये सामान छोड़ दिया कि कल एडजस्ट करूंगी, तो अभी मैं इसको एडजस्ट करूंगी। और तो ऐसी हालत होती है हमारी, लगे रहो बस कामों में लगे रहो। अभी आगे मैं किचन में, किचन में कितना अच्छा उजाला है, मैंने चाय वाय पी लिया है। देखती हूँ क्या बनाना है, स्माइली को जगाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी, देखती हूँ मैगी बनाऊंगी आज, क्योंकि उसका फेवरेट मैगी है, तो आज घर पे है वो, तो मैगी ही आज बनाऊंगी, खुश हो जाएगी। और पता है शायद ये मेरा लास्ट ब्लॉग हो, इसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए जैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं ब्लॉग जो भी डाल रही हूँ ना, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे और बहुत सारे सबके क्वेश्चन हो रहे, दीदी ये बताओ वो बताओ। तो मसाला पनीर का भी मैंने पूछा था आप लोगों से कि रेसिपी डालूँ क्या, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि हाँ दीदी पनीर की रेसिपी आप शेयर करो। तो आज मैं फिर से पनीर ही बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो शूट कर लूँगी मैं, तो आप लोगों से दिखाऊँगी। तो चलिए मैं फटाफट से कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि शायद आप मेरे ब्लॉग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं फ्री रहती थी तो ब्लॉग शूट कर लेती थी। और यार शूट करना बहुत ही भारी काम है, उसके बाद उसको एडिट करना, जोड़ जोड़ के उसको कट छट करना, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, कोई नहीं है मेरे सपोर्ट के लिए, मतलब फौजी साहब के पास तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता कि वो मेरे लिए कुछ कर पाएंगे, और स्माइली बहुत छोटी ही है, तो इस वजह से अकेले मैं कितना करूँ, घर भी संभालना रहता है, घर बच्चा पति, उसके बाद ये सोशल मीडिया बहुत ही हार्ड काम है बहुत। तो आज के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ, तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर से। हे गाइस, ये देख सकते हैं मेरे किचन में ये कबूतर अंदर घुस आया है और पूरे किचन को इतना गंदा कर रहा है, फड़फड़ा के। मैं क्या करूँ, कैसे इसको भगाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि हम लोग इसीलिए ना एडजस्ट नहीं चलाते हैं, उसका बाहर का दरवाजा बंद करके रखा है, लेकिन ये फिर भी तोड़ के खोल के आ ही जाते हैं यार। आपको पता है ये सुबह से फड़फड़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे भगाए। फौजी साहब ने भगाया था, सुबह हम सो रहे थे ना, तभी फड़फड़ किचन में धड़ गिरने की आवाज आई। मैं बोली यार लग रहा है चूहा आज घुस गया, कहाँ से घुसा, क्योंकि मैं सारा ही चीज बंद करके रखती हूँ चूहों के डर से, लेकिन ये एडजस्ट वाला जो दरवाजा होता है ना ऊपर का, उसके मतलब ये इसको ना बार बार फौजी साहब बंद करते हैं, लेकिन ये लोग पता ना कैसे खोल लेते हैं। और आज सुबह सुबह ये घुस गया है, फौजी साहब ने भगाया था, फिर ये अंदर आके पूरे मेरे घर में घुस रहा है, इसको कैसे भगाएं समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक आराम से बैठ के मेरी बातें सुन रहा है। आज मैंने नाश्ते में बना दिया मैगी, जो कि स्माइली को बहुत पसंद है, और मैं भी ऐसे वाला सिंपल वाला मैगी तो नहीं अच्छा लगता है मुझे, ऐसे जब भी डाल के बनाती हूँ तो मुझे बहुत पसंद आता है, तो हम लोग खा लेंगे। हेलो माय फैमिली, तो चलिए अब मसाला पनीर बनाने चलते हैं हम। ये देखिए मैंने ये 5 से 6 प्याज कट कर लिया है, ये अदरक मेरा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था तो बस मैंने वही कर दिया, लहसुन छील लिया मैंने, और ये मैंने ले लिया 1/2 kg पनीर। तो उसके लिए मैंने, क्योंकि हम दो ही लोग हैं, 2 से 3 लोग, तो ग्रेवी मुझे ज़्यादा नहीं करना था, इसलिए 5 से 6 पनीर लिया, लेकिन 1/2 kg पनीर में आप और ज़्यादा प्याज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने अभी कढ़ाई गैस पे रख दिया है, और इसमें मैं तेल गरम करूँगी, जैसे ही तेल गरम हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, और मैं सारी सब्ज़ी में जीरा ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं ये गरम मसाला का कुछ पार्ट होता है, सब मिक्स होता है, ये लौंग इलायची, तो आपको जो मन करता है आप गरम मसाला में यूज करते हो आप इसमें डाल सकते हो।
उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ये रेड हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने प्याज कट कर रखा है, ये मोटा मोटा मैंने प्याज कट कर रखा है, बहुत बारीक नहीं काटा है, उसमें ये वाला हम प्याज डाल देंगे। मैंने ना ये 6 प्याज काटा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा करना है तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज प्याज से ही ग्रेवी गाढ़ा होता है और ज़्यादा होता है। तो मैंने बस 6 प्याज कट किया है आधा केजी पनीर में। तो इसको बस हम भूनते जाएंगे, भून लेंगे, थोड़ा सा इसको रेड करना है। ये देख सकते हैं आधा गल चुका है। थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे, ढक देंगे इसको ताकि और सॉफ्ट हो जाए। देख सकते हैं ये पक चुका है। इसके बाद जो मैंने इसमें लहसुन छिलके रखा था, अदरक जो छोटा सा बचा हुआ था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। फिर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए, लहसुन का भी और अदरक का भी। तो इसको भी पका लेना है, मैंने ढक दिया ताकि अच्छे से पक जाए। और इधर मैंने तब तक पनीर धुल लिया। बिना धुले मैं पनीर कट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये दुकान से हमने मंगवाया है तो पता ना कैसा होगा कैसा नहीं। तो बिना धुले इसको सब्जी में यूज ना करें, अच्छे से धुल के इसका हम पीस काट लेंगे। पीस का भी ना आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, छोटा बड़ा आपको जैसा मन हो। मैंने तो बड़ा ही किया है, देख सकते हैं ना, बहुत बड़ा किया है ना बहुत छोटा किया है, मीडियम किया है। तो पूरा पनीर मैंने काट लिया। और तब तक इधर देख सकते हैं प्याज लहसुन जो डाला था मैंने, वो भुन चुका है, गल चुका है अच्छे से। तो इसको हम निकाल लेंगे ऑयल ऐसे साइड में करके, और मिक्सी में मैंने एक ही बार जो जार होता है उसी में निकाला। तो पूरा इसको निकाल लेंगे अच्छे से छान के, ताकि तेल उसी में बच जाए। उसके बाद फिर जो तेल बचा था गरम करके उसमें पनीर तलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा उड़ता है ये पानी में रखने, मतलब पानी से मैंने धुला है ना, इसकी वजह से पनीर बहुत उड़ता है, ड्राई तो है नहीं। तो मैंने इसको ऐसे ढक ढक के डालती हूँ ताकि पनीर तेल ऊपर तक ना आए। तो देख सकते हैं मैंने डाल के कुछ देर तक इसको ढका हुआ ही छोड़ दिया, ताकि तेल इधर उधर ना फैले। जब तेल उड़ना बंद हो जाएगा तब मैंने उसको उतार दिया ढक्कन को, और धीरे धीरे करके इसको थोड़ा सा रेड रेड सा पनीर करेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं तलना है, क्योंकि वो हार्ड हो जाता है और मुझे नहीं अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने बस ये हल्का हल्का सा भून लिया है, देख सकते हैं। फिर हम इसको निकाल लेंगे, और इसको हमें निकालना है पानी में निकालना है, ताकि पनीर सॉफ्ट हो। गरम ही पनीर निकाल के डायरेक्ट हमें पानी में डालना होता है। पानी में डालने से क्या होता है ना कि हमारा पनीर सॉफ्ट का सॉफ्ट रहता है, अगर हम अलग निकाल के रख देंगे ना तो वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। इसलिए तले हुए पनीर को पानी में डालना बहुत ही ज़रूरी है। फिर मैंने जो बचा हुआ पनीर था उसको भी डाल दिया तलने के लिए। और इधर तब तक मैंने जो प्याज भून के रखा था, प्याज लहसुन अदरक, उसका मैंने पेस्ट बना लिया बिना पानी डाले हुए, ताकि ड्राई ड्राई सही रहे। और इधर मेरा पनीर भुन चुका है। मतलब एक साथ सारे काम करते रहो तो सब्जी बनने में आसानी हो जाती है, जल्दी बन जाती है। फिर मैंने इसको भी पानी में डाल दिया, और पानी इतना ज़्यादा ले कि पनीर अच्छे से डीप हो जाए पानी में। मैं उसको एकदम डुबो के ही रखती हूँ, आप देख सकते हैं अभी ऊपर ऊपर है। फिर मैंने इसको हाथ से अंदर कर दिया। फिर उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने प्याज भुना था, मैंने पनीर तला था, उसी कढ़ाई में फिर से हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो रहा तब तक मैंने ये टमाटर पीस लिया, ये इसका पेस्ट बना लेना है। मैं भूल गई थी पहला स्टेप टमाटर पीसना, उसके बाद हम प्याज पीसते हैं। तब तक मेरा तेल इधर गरम हो चुका है पूरे अच्छे से। तो इसमें हम तड़का दे देंगे जीरा का, अजवाइन, तेजपत्ता और लाल सूखी मिर्च का। ये तड़का बेस्ट होता है, और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जो मन करे। और इसको थोड़ा सा हम जला लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, जो पिसा हुआ हल्दी पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। फिर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ऑयल में, और मैं थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालती हूँ तो इसमें ऑयल ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद जो मैंने ये टमाटर पीसा हुआ था उसको मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, आप अपने हिसाब से जितना आप तेज नमक खाते होंगे उतना डाल देंगे। और हम लोग तो ना ज़्यादा खाते हैं ना कम खाते हैं, मतलब मीडियम खाते हैं। फिर इसको अच्छे से थोड़ा सा हम भून लेंगे 3-4 मिनट के लिए। उसके बाद जो मैंने प्याज और लहसुन लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको डाल लूँगी मैं, देख सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरा मसाला और प्याज का जो पेस्ट था एक में मिल जाए।
उसके बाद हम जिसमें प्याज रखे हुए थे थोड़ा सा पानी खंगाल के भी डाल लेंगे, तो इस तरीके से। और फिर इसको अच्छे से मिलाना है और धीरे 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 फिर मसाले को भूनते जाना है, भूनते जाना है। फिर मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक दिया, फिर ऑयल ऐसे सेपरेट हो गया है, देख सकते हैं छोड़ दिया है ऑयल, तो दिख रहा है कि हाँ मसाला भुनाने लगा है। फिर इसमें हम जो भी मसाला होता है घर का, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और अगर हल्दी कम लग रहा है तो फिर से हल्दी डाल देंगे, और मिर्चा अगर जितना तेज़ आप खाते होंगे डाल देंगे, अगर अभी भी लग रहा है कि कम मिर्चा था तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो सारा मसाला डाल के मिला दिया। फिर हम डालेंगे इसमें दही, मैंने बस 2 चम्मच दही डाला बड़े वाले चम्मच से, क्योंकि मैंने टमाटर 2 डाला हुआ था तो खट्टा हो जाएगा ज़्यादा, और ये मेरी मीठी वाली दही थी, अगर खट्टी वाली दही हो तो थोड़ा और कम ही डालेंगे। और उसको तब तक चलाते जाएंगे दही दही डाल के जब तक वो अच्छे से मिल ना जाए, नहीं तो दही फटने का चांस रहता है। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है पूरे मसाले में, और आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत गाढ़ा दिख रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि पतला हो जाए और मसाला अभी बहुत अच्छे से भुन जाए। तो मैंने सारा मसाला इसमें मिक्स कर दिया है और अभी आंच को मैं कम कर दूंगी, और उसके बाद ना मैं इसको अच्छे से ढक के 4 से 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पकाऊंगी। कम आंच पे रहता है ना तो वो धीरे धीरे करके, और देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल छोड़ चुका है, मसाला पकने लगा है, लेकिन अभी मैं फिर से पकाऊंगी इसको, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कोई भी मसाला बहुत अच्छे से पकाती हूँ। ये जबकि पूरा ऑयल सेपरेट हो गया है लेकिन ये और अच्छे से भुनाएगा। तो इसमें ना मैं अभी ये गरम मसाला डाल दूंगी, जो कि मैं सारी सब्जी में यही गरम मसाला, कैच का गरम मसाला डालती हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स में थी कि दीदी आप कौन सा गरम मसाला डाल रहे हो, तो मैं ये कैच का गरम मसाला डालती हूँ। उसके बाद फिर से मैं कुछ टाइम के लिए इसको ढक दूंगी, उसके बाद देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है मसाले का, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो इसमें अब हम मेरा लास्ट क्या होगा, जो मैंने पानी में पनीर को डाला था ना, वो पानी वेस्ट हम नहीं करेंगे, वही वाला पानी हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे, तो उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो पानी होगा मिनरल वाटर वाला ही आप लोग लेना। फिर मैंने ये ले लिया कस्तूरी मेथी, जो कि हम इसमें डाल देंगे, और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी हो जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको डाल के हम मिला लेंगे, और आपको पानी उतना ज़्यादा लेना है जितना आपको ग्रेवी रखना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं और पानी डालूंगी, क्योंकि मेरा 1/2 kg पनीर है तो ये पूरा पानी सोख लेगा, और हम मसाला पनीर बना रहे हैं तो थोड़ा ग्रेवी तो होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं ग्रेवी मेरा बहुत अच्छे से खौलने लगा है। उसके बाद जो हमने पनीर तल के रखा हुआ है ना पानी में, उसको हम ग्रेवी के अंदर डाल देंगे, और ग्रेवी इतना ज़्यादा रखना है जिसमें पनीर अच्छे से डीप हो जाए, ताकि जो भी मसाला वगैरह है अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके पनीर। तो मैंने बहुत अच्छे से ग्रेवी के अंदर पनीर को डुबो दिया, उसके बाद हम इसको ढक के 5 से 6 मिनट अच्छे से पका लेंगे, खौला लेंगे ग्रेवी को। उसके बाद ये रहा मेरा फाइनल पनीर मसाला बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही यम्मी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसके ऊपर से हम धनिया पत्ता डाल देंगे, जिससे देखने में और भी टेस्टी दिखता है, अच्छा दिखता है। उसके बाद फाइनल मेरा पनीर तैयार हो चुका है, मसाला पनीर। तो कैसा लगा आप लोगों को रेसिपी ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप लोग कमेंट में बताना आपको कौन सी रेसिपी जाननी है, बहुत ही आसान तरीके से, घरेलू तरीके से। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर देते हैं, और बहुत सारा प्यार चाहिए आप लोगों का। मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ, नए रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय, लव यू ऑल।